बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उर्दू फैक्ट्री के नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि आजकल हम सिम कार्ड्स को अपने फोन में डालकर सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया में सबसे पहली बार सिम कार्ड्स को कब और किसने इन्वेंट किया? ऐसी ही मजेदार और अमेजिंग फैक्ट्स को आप आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर वन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा अरसे से इंसानों जैसा क्लोन बनाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन साइंटिस्ट को ऐसा करने में बहुत वक्त लगेगा, जबकि हाल ही में सैमसंग कंपनी ने कुछ ऐसा ही इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, सैमसंग ने पहली बार एयर पावर्ड अवतार टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करवाया। इस टेक्नोलॉजी को नियोन का नाम दिया गया। दरअसल दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी में आपको एक बहुत ही एडवांस रूम में खड़ा कर दिया जाता है, जहां पर आपके आसपास लगे सेंसर्स आपके बॉडी को स्कैन करते हैं। स्कैन ही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ आपके ब्रेन को भी स्कैन करने लग जाते हैं। कुछ ही मिनट्स में ये आपका अवतार भी क्रिएट करवा देता है, और अगर इसको दूसरे अल्फाज में समझा जाए तो ये एक डिजिटल क्लोन होता है जो दिखने में आप जैसा ही होता है और सोचने में भी आप जैसा ही होता है, काम करने में भी बिल्कुल आप जैसा ही होता है, और यही नहीं, आप जैसा ही रिएक्ट भी कर पाता है। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि ये ना सिर्फ आपके बॉडी स्ट्रक्चर को कॉपी करती है, बल्कि आप किस सिचुएशन में सोच सकते हैं ये डिजिटल अवतार में सिग्नल भी दे सकता है। फैक्ट नंबर टू, आज हमें जरा सी भी चोट लगे तो हम उस पर फौरन बैंडेज लगा देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि इन सब की इन्वेंशन से पहले खून को रोकने के लिए इंसान किस चीज का इस्तेमाल करता था? दरअसल दोस्तों, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि पहले पहल खून को रोकने के लिए मकड़ी के जालों का इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल दोस्तों, मकड़ी के जाल में विटामिन होता है जो कि खून रोकने के लिए काफी अहम होता है, तो इसीलिए बैंडेज के इन्वेंशन से पहले लोग खून को रोकने के लिए मकड़ी के जाले का इस्तेमाल किया करते थे। फैक्ट नंबर थ्री, क्या आप जानते हैं कि बर्लिन की न्यू विल्ट कंपनी ने एक ऐसा ग्रूमिंग जैकेट तैयार किया है? इस जैकेट में लाइट और साउंड डिटेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। ये जैकेट अलग अलग लाइट और म्यूजिक के अकॉर्डिंग अलग अलग अंदाज से लाइट इमिट करने लगता है, और आप ये जानकर हैरान होंगे कि बर्लिन में इस तरह की जैकेट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। फैक्ट नंबर फोर, क्या आप ये जानते हैं कि चाइना कंट्री ने एक और रिकॉर्ड भी अपने नाम कर रखा है? चाइना ने इस दुनिया का सबसे हैवी स्टील वायर ब्रिज, जिसका वजन 46,000 टन था, और इस ब्रिज को 90 डिग्री तक रोटेट भी किया जा सकता है, ये अपने आप के अंदर ही एक रिकॉर्ड है। आखिर इतने बड़े ब्रिज को रोटेट करने की क्या वजह थी? एक्चुअली इस ब्रिज को एक बिजी रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया जाना था, लेकिन अगर इस ब्रिज को रेलवे ट्रैक के ऊपर ही बनाया जाता तो रेलवे ट्रैक को बंद करना पड़ता, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ना था। तो इसीलिए इंजीनियर्स ने इसी ब्रिज को रेलवे ट्रैक के बिल्कुल पैरेलल बनाया। फैक्ट नंबर फाइव, आजकल हमारे यूथ में ऑनलाइन गेम्स बहुत ही फेमस होती जा रही है, और इनको खेलने से हमें दो किस्म की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। एक तो ये कि ज्यादातर गेम्स खेलने से आई साइट वीक होने लग जाती है, और उनकी साउंड्स की वजह से आपके आसपास के लोग भी परेशान होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन प्रॉब्लम्स की सलूशन के लिए म्यूट्रिक्स नामी कंपनी ने दुनिया का सबसे पहला गेमिंग ग्लासेस अल्ट्रा 3 स्मार्ट गेमिंग ग्लासेस को तैयार किया है, और इन अमेजिंग ग्लासेस का नाम GB30 है, और इसमें एंटी ब्लू लाइट लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक और भी बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिसके मुताबिक ये गेम वॉइस को साउंड वेव्स की फॉर्म में आपके कान तक पहुंचाता है, और यही स्मार्ट ग्लासेस दोबारा इसी साउंड वेव्स को आवाज में तब्दील कर देता है, और इसी वजह से आसपास बैठा शख्स गेमिंग की साउंड से डिस्टर्ब नहीं हो पाता। फैक्ट नंबर सिक्स, छिपकली अपनी दुम अपने जिस्म से क्यों अलग कर लेती है? दरअसल नेचर हर एक जानदार को अपनी जान बचाने के लिए
कुछ ना कुछ खास क्वालिटीज देती है जिनका इस्तेमाल करके वो अपने आप को आसानी से बचा सकते हैं। और छिपकली का अपनी दुख को अलग करना इसी क्वालिटी में से एक है। दरअसल दोस्तों, जब उसे लगे कि उसकी जान को खतरा है तो वो अपनी जान को बचाने के लिए अपनी दुम को अलग कर देती है, जिसकी वजह से अटैकर को लगता है कि वो मर गई है, तो वो सिर्फ दुम को मारने लगता है और वही दुम कुछ देर के लिए मूवमेंट भी करती रहती है। और इसी सिचुएशन की वजह से छिपकली अपनी जान बचाकर अटैकर से दूर चली जाती है। एक्चुअली छिपकली की रीढ़ की हड्डी का जोड़ बहुत ही कमजोर होता है और थोड़ा सा वजन पड़ने पर इसमें अलग होने की सलाहियत होती है और ये अपनी मर्जी से ही इसे अलग कर देती है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि छिपकली की दुम में ना तो हड्डियां और ना ही ब्लड वेसल्स होती है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।